सो वी आर गोना टॉक अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स. सबसे पहले हम देख ये लेते हैं कि कम्युनिकेशन है क्या. ठीक है, रैपिड फायर करें, आप लोगों की इजाजत है, शुरू करें. जी मैम, व्हाट्स कम्युनिकेशन? अपने ख्याल दूसरे तक पहुंचाना, अपनी राय या ख्याल दूसरे तक पहुंचाना, किसी दूसरे की सुनना और अपनी सुनाना. एक्सप्रेसिंग ऑफ आवर नॉलेज. एक्सप्रेशन ऑफ आवर नॉलेज. इट मींस सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन. एक्सप्रेसिंग योर नॉलेज एंड थॉट्स टू द अदर्स. एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स एंड नॉलेज टू द अदर्स. दिल की बातें करना और सुनना. दिल को तो दिल से राह होती है. जी सर. अपनी बात को दूसरों तक अपनी बात को दूसरे तक इफेक्टिवली पहुंचाना. कम्युनिकेशन मसाइल के हल के लिए मुशावरत करना. मुशावरत अगले का मौका भी अच्छी तरह सुना और आपका मौका भी अच्छा करना. ठीक हो गया. इम्पार्टिंग योर इंफॉर्मेशन टू अदर्स. इम्पार्टिंग योर इंफॉर्मेशन टू अदर्स. इंटरेक्शन विद अदर्स. इंटरेक्शन विद अदर्स. एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स. यस, एक्सप्रेसिंग थॉट्स इन पॉजिटिव वे. एक्सप्रेसिंग थॉट्स इन अ पॉजिटिव वे. सर आप बताइए ना. टू वे कन्वर्सेशन. टू वे कन्वर्सेशन. Sir, exchange of feeling and knowledge. Exchange of feeling and knowledge. Sir, baadab gustugu. Baadab gustugu karna. Exchange of ideas, thoughts, and effective interaction. Exchange of ideas, thoughts in an effective manner. Sir. Expression of feelings either through body language or through verbal. Verbal or non-verbal. ठीक हो गया. मुझे ये बताइए इसी नहज पे रहते हुए कि कम्युनिकेशन को अगर आप उर्दू में कहें तो क्या कहेंगे? इजहारे राय. बातचीत. गुफ्तगू. कलाम. क्या लगता है? इजहार. बातचीत. बातचीत. बातचीत के लिए बात कोई और मुख्तलिफ बताएंगे. बातचीत और तबादले ख्याल में फर्क क्या है? कौन बताएगा? तबादला ख्याल जब वन वे इसे करेक्ट कर लीजिएगा. तबादला जब आप बोलते हैं तो ये आपने से किसी ने कहा कि कम्युनिकेशन टू वे होनी चाहिए. कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं कि टू वे से क्या मतलब है आपने? किसने कहा था टू वे होनी चाहिए? सर टू वे से क्या मतलब है आपकी? सर डेफिनेटली आप किसी के साथ एंगेज है तो तब की मतलब है. चाहे आप अपने साथ बात करते हैं तो दूसरा है जिसको आप राय देना चाहते हैं या जिससे आप सीखना चाहते हैं या उसको कोई गाइड करना चाहते हैं तो वो कोई दूसरा होगा तो कम्युनिकेशन होगी. कोई दूसरा होगा तो कम्युनिकेशन होगी. आप सब लोगों ने बहुत अच्छा उसका जवाब दिया. कम्युनिकेशन का तर्जमा किया कम्युनिकेशन को. आपने कहा बातचीत ऐसी है. आपने कहा गुफ्तगू. मुझे बहुत खुशी हुई कि आप में से लोगों ने कहा तबादला ख्याल. आप इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए. हमारी गुफ्तगू इफेक्टिव क्यों नहीं होती? हम तबादला ख्याल तक जाते, हम किसी दूसरे को सुनते. अगर आप कम्युनिकेशन का तर्जमा जो है गुफ्त वाशनी गुफ्तोशनी ये कर ले तो हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनेगी. आपने गुफ्त है बोलना, शरीद है सुनना. कम्युनिकेशन टू वे इसलिए आप बोलते भी हैं आप सुनते भी हैं. आप इस पूरे ग्रुप में देख लीजिए आप इस बात को एलैबोरेट करने में कामयाब नहीं हुए कि हमने अगले की बात सुनिए. हालांकि आप कहना वही चाह रहे थे लेकिन फिर जैसे हमने वो पहली बात की ना सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन कहाँ होनी चाहिए. मेरे लाशऊर में तो है कि अल्लाह मियाँ है लेकिन मैं शऊर में अल्लाह मियाँ से बात नहीं करता. इसी तरह से कम्युनिकेशन को अगर आप इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो जैसे हमने आप लोगों के साथ ब्रेस काम करवाया, हमने आप लोगों के साथ रैपिड फायर खेला कि प्लीज बताइए व्हाट्स कम्युनिकेशन. आपने कहा अपने ख्याल अपनी राय अपना नॉलेज अपनी थॉट्स अपने आइडियाज दूसरे तक पहुंचाना. सर नो,
दिस इज 50% ऑफ द कम्युनिकेशन, दिस इज हाफ ऑफ द कम्युनिकेशन। अगर आप इसे इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप जितनी क्लैरिटी के साथ अपने ख्याल, अपनी राय, अपने थॉट्स और आइडियाज दूसरे तक पहुंचा रहे हैं, प्लीज दूसरे को भी उतना ही सुनिए। इट इज रेस्ट ऑफ द 50%, दैट इज द 100% ऑफ कम्युनिकेशन। समझ आ गई? तो गुफ्तगू को आप, कम्युनिकेशन को आज से गुफ्तगुशनी के साथ चेंज करने जा रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव हो। बमा रहना इंदर बुला।